हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपली गाइस लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दिए है। जो सबसे मुश्किल पार्ट रहता है एक यूट्यूब चैनल का, वो आपने मेरा क्लियर करवा दिया है, तो थैंक यू सो मच। बाकी मैं ऐसी ब्लॉग लाता रहूँगा आपके लिए, एंटरटेन करता रहूँगा ऐसी। और आज मैं जाने वाला हूँ अपनी बाइक में स्टिकरिंग करवाने के लिए। स्टिकरिंग मतलब अपने बाइक का जो नाम है, अपना सॉरी चैनल का जो नाम है, वो अपनी बाइक के ऊपर मेरे को लिखवाना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट एवेंजर में लिखवाया था, वैसे ही इस पे भी लिखवाएंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं। और साथ ही साथ यार मेरे को एक काम और है, अपना जो हेलमेट है उसका वाइज़र चेंज करवाऊंगा मैं। वाइज़र अभी जो है वो क्रोम वाला लगा हुआ है, मेरे को वाइट वाला लगवाना है, क्योंकि कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं रात का ब्लॉग करने के लिए। तो रात में जो है वाइट वाला जो वाइज़र है वही काम करेगा। तो अभी चलते हैं और मैं आपसे सीधा मिलता हूँ बाइक पर। तो यार ये रही अपनी थंडर, अब जल्दी से इसको अनकवर करते हैं। और धूल देखो कितनी हो गई है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। तो अभी जल्दी से इसको अनकवर करते हैं और फिर निकलते हैं। तो यार आ गया हूँ बाइक पे और ऑन कर लेते हैं और चलते हैं। तो यार चल दिए हैं, लिटरली यार बाइक में पावर इतनी है कि स्टार्ट करते ही और फर्स्ट गियर डालते ही यार क्या भागने को दौड़ती है ये। और यार मेरा जो प्लान था स्टिकरिंग करवाने का वो करोल बाग से था, बट अब मैं करोल बाग नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आसपास से ही करवा लूँगा। और यार चैनल के नाम का स्टिकर लगवाने में एक फ़ायदा और है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली चलते हुए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गोप्रो को देख के कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, किस नाम से है यूट्यूब चैनल। तो अगर बाइक पर लिखा होगा, यहाँ कहीं भी लिखा होगा, तो लोग खुद ही देख लेंगे और खुद ही सर्च कर लेंगे। तो इससे चलते चलते अपनी प्रमोशन भी होता रहेगा चैनल का। तो यार बस मार्केट में पहुँचने वाले हैं और जल्दी से एक शॉप ढूँढते हैं बढ़िया सी, जहाँ पर मेरे को सही लगेगा वहीं पे रुक जाएंगे। बाकी ये पूरी मार्केट है स्टिकरिंग की, कहाँ पे है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे कहीं पे भी स्टिकरिंग नहीं दिख रही है। इधर मुड़ के देखते हैं, भाई बाइक पे स्टिकर लगवाना था। तो यार यहाँ तो बात नहीं बनी, यहाँ पे लगा तो रहे हैं स्टिकर, बट जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब सी। ख़राब क्या यार, कि मतलब मेरे को चाहिए अल्फ़ाबेटिकली और वो एक प्लेन एक स्टिकर दे देंगे, तो मेरे को अल्फ़ाबेटिकली लगवाना है, जो कि ये नहीं लगवा रहे हैं। तो यार मैं दूसरी मार्केट में आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को लगता है मेरा काम हो जाएगा। तो पूछते हैं एक जगह पे, ये है AK स्टिकर, तो यहाँ पूछते हैं, यहाँ मेरा काम हो जाना चाहिए। तो चलिए पूछ लूँ, फिर देखते हैं और दिखाते हैं आपको स्टिकर लगाते हुए। तो यार यहाँ पे काम हो जाएगा, यहाँ पे स्टिकर लग जाएगा। एक तो जगह पे मैंने पता किया बट नहीं लगा रहे थे, तो अभी भैया ने लगा दिया है। और अभी फॉन्ट वगैरह जो भी था वो सब कुछ चेक हो गया है, अब बस स्टिकर निकलेगा और अपनी बाइक पे लगेगा। बाकी मैं आपको एक बार भैया की शॉप दिखा देता हूँ, ये देखिए। यार ये है भैया की शॉप, ये रहे भैया। और यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन के स्टिकर वगैरह बनवाने हो आपको, जैसे ये हो गया सिद्धू मूसे वाला, हो गया लेजेंड वाला, और ये हो गया, बाकी ये सारे हो गए। यहाँ पे सारे स्टिकर लगे हैं, तो ये कोई सा भी स्टिकर आपको लगवाना हो यहाँ पे लगवा सकते हो। बाकी कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी रखी हैं भैया ने यहाँ पे, और नंबर प्लेट भी मिल जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइनर, वो आप पीछे देख रहे होंगे, ये नंबर प्लेट वगैरह डिज़ाइनर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जैसा आप काम बोलोगे वैसा हो जाएगा, सारी मॉडिफिकेशन वगैरह यहाँ पर कर लेते हैं। बाकी और डिज़ाइन आपको चाहिए हो स्टिकर में, तो ये सारे डिज़ाइन हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर लेते हो। यहाँ पर वैराइटी बहुत है और यहाँ पे आसपास कोई भी काम नहीं कर रहा था, मतलब YouTube लोगों कहीं पे नहीं बन पा रहा था, बट भैया के पास बन पा रहा है, भैया के पास। तो यहीं से काम करवाएंगे जल्दी से और फिर निकलते हैं। स्टिकर वगैरह सब रेडी हैं, अब बाइक जो है अपनी थंडर अंदर आ रही है, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे भैया जो हैं वो स्टिकर लगाएंगे। तो ये आ गई, आ जा भाई आराम से। तो बाइक अंदर आ चुकी है, बाकी भैया भी आ रहे हैं, स्टिकर लगा देंगे। और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे एक स्टिकर यहाँ पे अपना चैनल का नाम, और ऐसे ही दूसरी साइड में दो जगह लगवाऊँगा। इसको ऑफ कर देता हूँ, तो भैया लगा दो।
गया, स्टिकर लग चुका है। ये देखिए कितना सही लग रहा है यार। अब क्या है, चलते फिरते लोगों को प्रमोशन भी होगा। बाकी इधर भी लग गया है, दोनों साइड बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने जो है अपनी रिम के कलर से मैच करता हुआ लगाया है। ये जो रिम का कलर है इसको सेम मैच करता हुआ, तो ये सूट भी कर रहा है इसके ऊपर। बाकी यार ये तो लोगों तो लग गया है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो अभी चलते हैं और अपने हेलमेट का जो है, इधर जो हेलमेट रखा है ये देखिए, इसका ये जो वाइज़र है ये क्रोम में है। अभी मेरे को ट्रांसपेरेंट में चाहिए, मतलब वाइट में चाहिए, जिससे कि रात में काम कर सके। तो अभी चलते हैं और वाइज़र चेंज करवाते हैं। तो यार लोगों तो लगवा लिया है, यहाँ से लगवाया था अपनी शॉप से AK स्टिकर से। बाकी अभी चलते हैं और वाइज़र देखते हैं। यहीं पे एक हेलमेट्स की शॉप है, वहाँ पे पता कर लेते हैं, वाइज़र मिल जाएगा तो एक ही जगह पे दोनों काम हो जाएंगे। ये रही शॉप, यहीं से पता कर लेता हूँ मैं। वाइज़र चाहिए इसका वाइज़र। तो यार ये अपना वाइज़र ले लिया है, ट्रांसपेरेंट वाइज़र है ये देखिए, ऐसा वाइज़र है तो अब ले लिया है। और बहुत जल्दी आपको पता लगेगा ये मैंने किस लिए लिया है। तो ये खड़ी अपनी थंडर, इसको रख लेता हूँ मैं बैग में। मेरे अब नाइट व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अब रेगुलर 3-4 व्लॉग मेरे नाइट व्लॉग वाले ही आएंगे और आई होप आपको पसंद आएंगे। तो उनका बस वेट है। ये मैंने ले लिया है, वाइज़र भी ले लिया है और एक दो बंदों से और बात हो रही है, तो उनसे भी जब बात फाइनल हो जाएगी उसके बाद में आपको नाइट व्लॉग दिखेंगे, और वो भी ग्रुप के दिखेंगे। अकेला नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि रात को अकेले सेफ नहीं है व्लॉग वगैरह करना, तो इसलिए एक ग्रुप में करेंगे। बाकी आज के दोनों काम हो गए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, मैंने अपना स्टिकर लगवा लिए हैं चैनल नाम के। और ये आपको कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कलर कैसा लग रहा है और फॉन्ट कैसा लग रहा है, और बाकी मैंने जहाँ लगाया है ये बिल्कुल ठीक जगह है या कहीं और भी लगवा सकता था मैं, तो ये सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अब चलते हैं घर और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।